अच्छा बताइए क्या हुआ था एग्जैक्टली? एग्जैक्टली ये नीचे गया था खेलने के लिए, खेल के आया तो बोला मम्मी सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने इसको तेल की मालिश की, मालिश करने के बाद इसको आधा क्रोसिन दिया मैंने, तो ये क्रोसिन खा के वापस नीचे गया खेलने के लिए, बोला मम्मी मैं 10 मिनट में खेल के आता हूँ। फिर ये गया खेलने के लिए, तो उसके बाद ये 9:30 बजे आया घर पे, तो बोलता है मम्मी मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। तो फिर मैं बोली बाबू तू ज़्यादा खेला ना इसलिए दर्द कर रहा है। इतने में तो ये रोने लगा, रोने के बाद ये सर पकड़ के बेड पे गिर गया और बोलता है मुझे उल्टी जैसा आ रहा है। फिर इसने एक उल्टी किया और बेहोश हो गया। फिर इसको मैं हॉस्पिटल लेके गई जीवराजिका में, तो वहाँ पे जीवराजिका हॉस्पिटल वाला बोला इसको फिट आया है। तो फिर बाद में वहाँ पे डॉक्टर आए ही नहीं, करीब 1.5 घंटा हो गया वहाँ पे डॉक्टर नहीं आए। फिर वहाँ से मैं संजीव गुप्ता के यहाँ लेके गई साईं कृपा में, गुरु कृपा में। फिर वहाँ से ये हॉस्पिटल्स कहाँ पे है? ये जीवराजिका जैसल पार्क में, और साईं कृपा इधर है, ये भी जैसल पार्क में है, उसवाल रोड में नहीं, भाईंदर में, भाईंदर में। ओके। फिर वहाँ से उसने इसको फिट का इंजेक्शन वगैरह दिया, लेकिन इसको फिट नहीं था। फिर बाद में इसको 2-3 घंटा हो गए थे बेहोश हुए। फिर डॉक्टर को मैं बोली सर उसको फिट नहीं आ रहा है, उसको सर में दर्द था, वो दर्द की वजह से मेरा बेटा उल्टी किया। तो फिर उसने बोला ठीक है आप सिटी स्कैन करा के लाओ मीरा रोड से। फिर मैं सिटी स्कैन मीरा रोड में ये दुंगा के बगल में इसका सिटी स्कैन कराई, तो वहाँ पे इसको पता चला कि इसको ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर बाद में वहाँ पे उसने संजीव गुप्ता ने इसको बुलाए वापस बेटा, तो फिर उन्होंने इसको बंगले पे बुलाया। तो फिर बंगले पे लेके गए तो बोले इसको बहुत जल्दी आप केम लेके जाओ, केम में लेके जाओ या तो नायर में लेके जाओ। फिर अपने पास इतना टाइम नहीं था कि हम इसको लेके जाते नायर में या केम में। फिर हम लोग ने क्यों क्या हुआ था, कैसी कंडीशन थी इनकी उस वक्त? बेहोश था, ये 3-4 घंटा हो गया था, बेहोशी था। तो फिर वो संजीव गुप्ता के जो भाई थे पंकज गुप्ता, उन्होंने इसको बंगले पे बुलाया था, बोला बंगले पे लेके आओ मैं इसका रिपोर्ट देख लेता हूँ। तो फिर बंगले पे जब इसका सीटी स्कैन का रिपोर्ट गया तो बोलते हैं आप केम लेके जाओ या तो नायर में लेके जाओ, लेकिन टाइम बहुत कम है, आपको जो भी करना है आप जल्दी डिसीजन लो, या तो नायर में या तो केम में। तो हम लोग बोले जब इसने ऐसा बोल दिया उस टाइम दिमाग भी नहीं काम चला। फिर हम लोग को याद आया कि मुजफ्फर का एक हॉस्पिटल है उमराव, उसमें लेके चलते हैं। तो 1:30 बजे करीब हम आए यहाँ पे उमराव में, और फिर इसको एडमिट कराए तो यहाँ पे तुरंत इसका इलाज चालू हो गया।